मैसेज करके अनसेंड भर देता, मेरे को ये समझ नहीं आया यार। स्वागत आपका हमारे नए व्लॉग में। और आज हमारा दिन की शुरुआत हो रही है गाड़ी से, बिल्कुल फुल टोरे में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल बोरा। हाय गाइस, ये बहुत टाइम बाद आ रहे हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से सीधा ये हमारे पास ही आए मिलने के लिए हमसे। बाकी आज हम अभी गाड़ी धुलाने के लिए आ रखे हैं, और थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, सनरूफ खोल देते हैं ना यार, फ्लेक्स करना भी तो जरूरी है। लेकिन भपका बहुत गंदा आ रहा है सनरूफ से। अबे इसको ज्यादा दबाए नहीं रहना पड़ता, बस एक क्लिक करो हो जाता है। ओह नाइस यार, ऑटोमेटिक गाड़ी है ना यार, वेरी मच वेरी वेरी मच क्या बोलते हैं फीचर्स विद वेरी मच फीचर्स। अभी हम गाड़ी धोने आ रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी धुलाते हैं। आजकल यार जब से मेरी जिंदगी से कोई गया है ना, तो मेरे पास गाड़ियां बहुत आ रही है, गाड़ियों में जो घूम रहा हूँ ना, हाय हाय मजा आ जा रहा है, क्या बताऊँ तुम्हें। वो तब भी स्कूटी में घूम रही होगी, हम कारों में घूम। अरे कोई नहीं, उसको भी कारों में घूमने दो, तो हमारे पास भाइयों की कार है ना, तुम्हारे पास तो लड़कों की होगी। तुम उनको कुछ भी बना सकते हो, वो तुम पे डिपेंडेंट है। बाकी गाइस बाल वाल, आज हम जा रहे हैं नैनीताल, मतलब मैं जा रहा हूँ, ये तो गर्मी है, मैं अपने तीन दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, दिखाऊंगा तुम्हें। एक तो बहन है बस, एक बहन है और दो दोस्त आई हैं दिल्ली से, बहुत प्यारी है भाई, प्यारी से है प्यार, जमुना पार। जमुना पारी है, अभी वो गाना लगाते रहो जमुना पारी वाला, इल्लीगल वेपन करके गाना मत चला भाई, कॉपीराइट आ जाता है बैकग्राउंड। तो गाइस आज हम जाएंगे वहां से नैनीताल, नैनीताल से फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है सिस्टम, फिर दिखाते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खुद को छोड़ने के लिए, निखिल भाई हमें टाटा बाय बाय कह रहे हैं, और हम चला रहे हैं अभी वेन्यू भाई की नई नवेली दुल्हन आ रही थी, तो हमने बोला थोड़ा हम भी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं नैनीताल को, और नैनीताल का तुम्हें मौसम दिखाएंगे, बड़ा ही तगड़ा मौसम हो रहा है, क्या ही बताएं तुम्हें, बहुत ही एक नंबर मौसम हो रहा है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, बाकी ट्रैफिक देख लो, ये ट्रक आ जाती है यहाँ। चलो भाई सिद्धेश, भाई माँ की कसम बड़ा ही काला उजंड है यार तू तो, और बहुत कुछ काला है, देखेगा दिखा 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 ना तू, ऐसी दिखा तो दे कालू, कैसा एनाकोंडा जैसा है क्या, अरे एनाकोंडा सब बोला है वो से, ठीक है डस लेगा। डसेगा तो किसी और को, जिसे डसना था उसे तो डसा नहीं, छोड़ दे यार, उठियो उठियो कालू, तू चेक कर रहा है, हाय भाई आधे पूरे उसमें वो लग रखा है हॉल, यहीं तक दिख रहा है मुझे तो पूरा। ये देखो क्या पानी होता है वहाँ पे हमेशा बोने, हाय बोनियो, हेलो बोल दो, ये बोल हेलो मत बोलो, मत बोलो फिर अनफॉलो अनफॉलो हिम, ये लग कितना तगड़ा रहा भाई साहब, वहाँ देखो ना वो अभी पूरा बंद हो जाएगा, ढक जाएगा अभी कोरा गोरा हो गया पूरा, सब वापिस आ रहे हैं। एक भुट्टा नहीं खाया जा रहा ना, एक भुट्टा नहीं खाया जा रहा है, बंदी कल कल तूने जो वीडियो डाली उसका क्या हुआ, सॉरी वो बताना, नैनीताल से, और
मजे हुए हैं भाई के। फुल भाई फुल, क्या बताए तुम्हें, बाकी तुमने देख लिया होगा थोड़ा थोड़ा। भाई इंसान को भी, इंसान को ना प्रैक्टिकल होना चाहिए। राहुल भाई एग्जांपल है, आप सब भी राहुल भाई से सीखो भाई। राहुल भाई के साथ साथ सब कुछ होना चाहिए। राहुल भाई किलसाने के मामले में नंबर वन, संगति का असर हो रहा है राहुल भाई। बाकी गाइस मैसेज करके अनसेंड क्यों कर देते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आया यार। क्योंकि उनकी गांड खिलस्ती है भाई, किलसो भाई किलसो, हमारी भी बहुत खिलस्ती थी पहले, अब तुम्हारी खिलस्ती तो हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई अगर खुद की आईडी से बात नहीं होती ना तो दूसरों की आईडी से मत आओ, खाली कोई नपुक जाएगा, खाली बहन चुट जाएगी, उसकी बहन चुट जाएगी, फिर कोई बचा भी नहीं पाएगा। बहन के लंडो याद रखना, अपनी आईडी से आओ, औकात है तो बहन के लोड़े। अगर तू देख रहा है ना नजरों में अच्छी तेरी इमेज है तो अपनी इमेज की माँ मत चुदो, हमसे पहले बोल रहा हूँ भाई। हमारे साथ वाले बहुत अच्छे अच्छे हैं जो तेरी माँ चुट सकते हैं, ठीक है ना। ब्लॉगर्स और मजाक से हट के बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज बहन चोर भाई, कोई भी लड़का लड़की अगर रिलेशनशिप में और तुम लोग सेपरेट हो चुके हो ना तो अपने अपनी माँ चुदाने के लिए लड़की को परेशान मत करो फोन कर करके। हाँ भाई, तो माँ तो तेरी चोद दूंगा तो जिस दिन मेरी आंखों के सामने आ गया। और तेरी माँ मैं भी चोदने वाला हूँ बहन के लोड़े। अपनी माँ चुदाने के लिए करता है फोन, मादर चोद। बहुत सारे में बहन भाई, वो तो थोड़े तेरे भाई लोग बहुत अच्छे है ना, थोड़ी हम भी इज्जत करते हैं, वो भी करते हैं हमारी। दूसरों की माँ पे सवाल उठा रहे, तेरी माँ नहीं चोदी ना, मैंने तो हल्द्वानिया बहन के लंड लोड़े। और बहन की चूत तेरी गाँव में जितना जोर है उतना लगा लियो, भोसड़ी के कटघरिया से यहाँ तक छड़ैल तक, कटघरिया नहीं काला डूंगी, जहाँ भी रहता है तू काला डूंगी से लेके छड़ैल बहन के लोड़े, जहाँ तुझे तेरी माँ नहीं चोदी ना मैंने, बहन के लोड़े आंटी के लिए फालतू बोल रहा है मादर चोद। बताओ यार लंड को कॉल करके बातें कर रहा हूँ, बोल रहे बहन जो तुम्हारी बंदी है घुमा रहा है लंड घुमा रहे भोसड़ी के, जब तेरी तू भोसड़ी के जो जो चार चार पांच पांच जुगाड़ों के साथ घूम रहे वो कुछ नहीं हुआ बहन जो, हमने घुमा दी तो भोसड़ी के रोना बहन, हमने तो घुमाई भी। भाई ऐसा है कि गाली वाली देना बंद कर रखा, गाली वाली देनी बंद कर रखी है, प्यार मोहब्बत से रह रहे ना तो अपनी माँ मत चुदाओ हमसे, सबके लिए बोल रहा हूँ। बहुत प्यार से रह रहे थे अभी तक, अभी तक शांत है, जिस दिन बहन चोदने पे आएंगे ना बहन के लोड़ो लगा लेना अपनी गांड का जोर, तुम्हारी जितने दम है तुम्हारी बहन के लंडो माँ चुदवाते हमसे बात। भाई गाली वाली देना वैसे भी तुम्हें भी पता है बहन चोद घर में सीन हो जाते हैं, अरे हर किसी के घर में होते भाई, हमारे भाई ये गाली खाने वाले हैं बहन चोद, घर वाले भी तो सपोर्ट, बहन घर वाले भी बोलेंगे कि गाली तो ऐसे हो, बस घर वालों को पता नहीं चलने देते हमें अपनी बात है। ये जो बुद्धि है ना बहन चोद, बुद्धि इसको शांत रहने दो, शांत जब तक शांत है तब तक शांत रहने दो। बाकी ब्लॉग देख रहे हैं तो ब्लॉग देख, खुश रहे, हमारे बीच में मत पड़ा। अरे तुम मत देख भाई हमारे ब्लॉग बहन चोद, बीच में अगर उंगली करेगा तेरी उंगली तेरी गांड से निकाल के मुंह से निकालूंगा, ये बात भी याद रखियो, ठीक है ना। ये तेरे लिए ही है भाई, जो तूने मेरे से बोला ना कॉल में, तू एक बार हल्द्वानी तो आ, माँ की कसम जिस दिन पहले दिन मिल गया ना उस दिन रेपता नहीं पड़ा, मेरा नाम भी राहुल नहीं जा रहे हैं। और लड़कियों को तंग करना बंद कर दे, माफी मांग ले इज्जत से, अभी भी टाइम है, ये तो तेरे भोसड़ी का ठुड्डी पकड़ के रगड़ाऊंगा जमीन में, माफी मांगवाऊंगा तेरे से। ऐसी है लोग तो अपना ऐसी है, ठीक है ना। पहले तो बहुत पहले से लटकने लग गया था मेरे को भी, पहले तो तेरे से कुछ बोलता नहीं था ना मैं, अब तो कुछ गंदा भटक रहा है। पास से खा पी रहे हैं भोसड़े, कब से खा पी रहे हैं सन, पास से खा पी रहे हैं बोलते नहीं है तो कुछ भोसड़ी के यार मासूमियत का फायदा उठा रहे भोसड़ी वाले। बाकी भाई मैसेज करना है तो डायरेक्ट मैसेज करो, डिलीट डिलीट मत करो, हम भी देखना चाहते हैं। ये भी खाएगी गाली, ये भी इसकी भी बारी आएगी देखना, ये भी सुनेगी मेरे मुँह से, दूसरे की जिंदगी खराब करके रखी है। और अब तो जिंदगी जीना शुरू करा है भाई, अब तो जिएंगे भाई, अब तो जिंदगी जीना शुरू कर रखा है, अभी तक तो मर रहे थे किसी के पीछे, अभी तो अब तो भाई तुम मानेगा नहीं, माँ की कसम मैंने अपनी मम्मी को भी बताई पूरी कहानी, सही करा भाई तूने, मम्मी कह रही भाई सही बात है, मेरी मम्मी जो कहती ना सच ही कहती है, बहुत सच कहती है भाई, मम्मी ने भाई मेरे से इतना तगड़ा एग्जाम्पल दिया ना, अगर मैं वो बता दूंगा ना भाई किलस जाएगी किलस, बताना नहीं चाह रहा मैं, वैसे बताऊंगा तेरे को बैक कैमरा बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं बता सकता भाई, तू मानेगा नहीं, मम्मी ने एक चीज का एग्जांपल दिया भाई, मैं हंसते हंसते हालत खराब, मम्मी ने बस इतना बोला भाई तेरा कॉलेज भी उसी चक्कर में बर्बाद हुआ। और तू भी मेरी बात सुन, जब तेरी बात नहीं हो रही है इसकी बात नहीं हो रही तो मैसेज मत कर दियो कहीं से भी किसी भी अकाउंट से, इसको तो तूने कर दिया वैसे, मुझे मैसेज करेगी ना या करेगा ना तो ऐसी कहानों से तेरे खून निकालूंगा ना मैं, जो जिंदगी भर रातों को सपने आएंगे मेरी आवाज़ के, याद रखना। तो मैं जो टॉक्सिटी फैलाना बंद कर दे, अपन लोग कुछ काम कर रहे तो हमें करने दो। बड़ा ही तगड़ा चकमा दिया यार पुलिस वालों को, क्या ही बताएं, पुलिस नहीं सीपी वालों को।
वहाँ की कसम आए हाय मजे मजे। आप ये वीडियो देख रहे थे हमें ओरिजिन हेलमेट लाते, बट आज के लिए सर आज के लिए सॉरी सर, क्योंकि खाली फंस जाते तो हम एक तो बेरोजगार हैं, ऊपर से खाली 500,000 रुपए की चपत लगती सर, उसके लिए दिल से सॉरी सर। बाकी देखो आप लोग कभी ऐसा मत करना, आप लोग अभी ऊपर साइड आते हो तो हेलमेट जरूर लेके आना, दो दो हेलमेट लेके आया करो ना। और अंडर एज वाले, अगर अंडर एज हो तुम लोग और हमारे ब्लॉग देखते तो एक हेलमेट अपने साथ जरूर कैरी करना अगर टू व्हीलर में। हाँ ये अगर दो व्हील रख पा रहे हो तो एक तो पक्का रख लेना, बाकी एक उधर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम लोग का तो हाथ बहुत अच्छे से सेट है, बाकी हमारा हाथ ऐसे सेट है कि हम कहीं भी डाल देते हैं गाड़ी, हम तो ना जो होगा देखा जाएगा, बट ट्रैफिक रूल्स के उनको फॉलो करते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी यहाँ भी हो सकती है। थोड़ा जब स्ट्रेस होता है तो निकालनी पड़ती है भाई, हो रहा क्या करूँ, कोई नहीं है यार, ये नहीं पकड़ते भाई, ये तो अपने दगड़ी जैसे हो गए। ऐसी ये भी मुँह तो अपना ऐसी है, बाकी गाइज चलो मत और तरक्की देखो हमारी, देखते रहो चलते भी रहो और तरक्की भी देखते रहो, और तरक्की जो हमारे साथ के भी बहुत आगे निकले हैं, हम कभी उनसे चले नहीं यार, हमने हमेशा उनकी अच्छी चीज़ें अपने अंदर लेके आए और अच्छी भाई उनसे सीखा है हमने। तुम अगर तुम ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा है जो उठ रहा है या अपने काम बहुत अच्छे से कर रहा है तो उससे भाई अच्छी चीज़ें सीखो, यानी कि तुम उससे जल रहे हो कि ये इतनी जल्दी ग्रो कर, भाई उसका लिखा होगा तो ग्रो हो रहा है, अगर हमारा भी लिखा होगा आप लोग के प्यार से तो हम भी ग्रो हो जाएंगे भाई। जैसे हमारा सौरभ खेतवाल है भाई, सौरभ खेतवाल एक तगड़ी, वो मतलब बहुत सही चीज़ है बाकी कल यहाँ एक वाले किया वाले ने अपनी गाड़ी डाल दी थी यहाँ गड्ढे में, कल की स्नैप देखी सुभाष तिवारी जी आपकी स्नैप देखी थी मैंने। चलो भाई मिलते हैं आपसे अगले, बाकी जो लोग बोलते हैं कि यार मेरे को ब्लॉग में नहीं लेता भाई, ऐसा नहीं है, कभी कभी ये बिजी हो जाता है, कभी मैं बिजी हो जाता हूँ, तो यार तुम लोग ऐसे जज मत, अभी हम इधर उधर हो जाते हैं यार, तो भाई घूम फिर के आना तो एक ही जगह है, ये मत सोचना कि बहुत लोगों ने बोला कि इसको भी लिया करो, भाई लेता ही है वो अपनी तरफ से हमेशा लेता है, ठीक है। बाकी आप लोग प्यार दिखाते रहा करो, चाहे मैं हूँ या ये हूँ, प्यार आपको पूरा कंटिन्यूस ऐसे दिखा, बाकी बस अगर नोट पानी आने लग गया फिर तो दोनों साथ में ही समझ लो, नोट पानी आने की देर है भाई, नोट पानी आने की देर है बस, हो गया फिर तो छोड़ देंगे भाई, फिर तो सब छोड़ना है, उसके बाद त्याग ले लेना बस, अपना फोन हाथ में रखे रहेंगे और पूरी इंडिया आ जाएगा, पहले पूरा इंडिया उसके बाद पूरा कॉन्टिनेंट घूमेंगे भाई, पहले पूरा इंडिया घूमेंगे, पहले पूरा उत्तराखंड घूमेंगे अपना देवभूमि, और भाई बाइक में घूमेंगे, गाड़ी वाली नहीं, क्योंकि उल्टी आती है, उल्टी वाले रिलेट कर, बाइक में जो मजा आता है वो पहाड़ों के बीच में इतनी हरियाली है, मतलब कौन सी वाली हरियाली देख रहे थे तुम नाइस हरियाली यार, ये देखो हरियाली क्या हरियाली है, अरे पहाड़ों ने यार इज्जत बचा रखी है उतना, बाकी गाड़ी वालों को जानते हैं इनको ज्यादा खुशी हो जाती है, पंजाब से आए हो, भाई चेकिंग हो रही है बहुत तरह। चलो गाइस मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।